हेलो वाचन फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज हमें इनवाइट किया गया है बोलेरो पिकअप मैक्स के लॉन्च इवेंट में, एंड स्पेशल थैंक्स टू बीकानेर मोटर्स चूरू जिन्होंने हमें इनवाइट किया है और आप सबके साथ हमारे व्यूज जो है शेयर करने का मौका दिया। तो चलिए चलते हैं लॉन्च इवेंट में और इन्जॉय करते हैं लॉन्च इवेंट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बोलेरो पिकअप मैक्स। ये है इसका नया वेरिएंट 1.7 जो कि 9 फुट के डाले के साथ आता है। फ्रंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बोलेरो की ही तरह हेडलैम्प्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं बोलेरो में भी आपको ऐसे ही हेडलैम्प्स जो है मिलते हैं। ये जो है हेलोजन बल्ब के साथ आते हैं और नीचे जो यहाँ पर पार्किंग बल्ब और इंडिकेटर जो आपको मिलता है। फोग लैम्प जो है वो आपको राउंड शेप में दिया गया है और नंबर प्लेट की ऑप्शन है वो आपको बम्पर पे ही मिलेगा। इसमें आपको लोहे का बम्पर जो है प्रोवाइड किया जाता है, महिंद्रा का ओल्ड लोगो जो है यहाँ पे मिलता है। इंजन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 80 हॉर्स पावर और 210 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। फ्रंट में जो है ये बोनेट की साइज काफ़ी छोटी रखी गई है जिसके चलते विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी बेहतर बन जाती है। फ्रंट में आपको टोइंग हुक दिया गया है। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको डिटैचेबल फेंडर्स जो है वो आपको दिए गए हैं। पहले जो है ये डिटैचेबल ऑप्शन के साथ नहीं आते थे। बड़े साइज़ के टायर जो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। बोलेरो मैक्स की यहाँ पे जो है बैजिंग दी गई है। फेंडर पे जो है इंडिकेटर दिया गया है। और सबसे अलग चीज़ आप इस गाड़ी में देखेंगे कि मैक्स का मतलब है कि हर चीज़ में मैक्स। तो साथ ही में कंपनी ने ORVM में भी आपको काफ़ी बड़ी साइज प्रोवाइड की है। फुट स्टेप जो है वो आपको लोहे का दिया गया है और ये काफ़ी हैवी ड्यूटी है। साइड में जो है डोर पे आपको ग्राफिक्स दिए गए हैं। यहाँ पे HD 1.7 की बैजिंग जो दी गई है। सस्पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रंट में जो है यहाँ पे आपको 7 कमानी ऑफ़र की जाती है और रियर में आपको 9 कमानी ऑफ़र की जाती है। नीचे अगर आप देखते हैं तो ग्राउंड क्लियरेंस जो काफ़ी अच्छा है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि डाले को कितना ऊपर प्लेस किया गया है और जो चेसिस है वो नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस उसका कितना है। इसमें आपको 60 लीटर की जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर की जाती है जिसको आप राइट साइड में एक्सेस कर सकते हैं की के थ्रू। उसी के साथ इसका जो कर्व वेट है वो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, लेकिन इसकी जो पे लोड कैपेसिटी है वो है 1700 किलो की। राइट साइड में यहाँ पे आपको महिंद्रा आई मैक्स की बैजिंग दी गई है। इसमें आपको काफ़ी एडवांस ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे ट्रैकिंग के जो फीचर है वो आपको इसमें मिलते हैं। रियर में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है महिंद्रा की बैजिंग दी गई है जो कि बॉडी कलर्ड है, और रियर में जो है यहाँ पे आपको रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं 2। नीचे जो है स्पेयर व्हील जो आपको मिलता है और जो लाइट है वो आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही मिलती है रियर। और आप देख सकते हैं कि जो पीछे का डाला है उसकी साइज कितनी है। मेरी हाइट जो है वो 5 फीट 6 इंच है। आप देख सकते हैं पहले ये जो डाला है ये इतना ही आता था, अभी जो इसको बढ़ाकर इतना कर दिया गया है और ये लंबाई में भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते इसमें जो पे लोड कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपको हैंडल्स दिए गए हैं दोनों तरफ। नमस्कार भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम रामकरण साड़ा है। ऐसा जैसा कि महिंद्रा ने बोलेरो मैक्स पिकअप को जो है नए अवतार में लॉन्च किया है, तो आपको इस गाड़ी में और पुरानी वाली गाड़ी में क्या अंतर लगता है? मैं कुछ दिनों से पिकअप लेने के मूड था तो देवेंद्र जी ने मेरे को बताया कि अभी एक महिंद्रा मैक्स पिकअप लॉन्च हो रही है, उसकी बहुत सारी खूबियां हैं। एक तो इसका मैक्स लोड है वो 2000 किलो पास है, तो वो बढ़िया है मेरे लिए। एक इसकी लंबाई 10 फीट है, तो जैसे हमारे लोगों के लिए जैसे ट्रांसपोर्टर्स ने वाटर सप्लाई है उनके लिए बहुत ही बढ़िया ही है। एक इसके टायर वायर सब बड़े दिए हैं नए में, माइलेज अच्छा देती है, तो देवेंद्र जी ने मेरे को इसके बारे में दिया और मुझे यही पसंद आई। तो इसमें जो आप देख सकते हैं कि फ्रंट में जो है फोग लैंप का एक प्रॉपर ऑप्शन दिया गया है जी, तो क्या आप इसमें आगे जाके फोग लैंप वगैरह इंस्टॉल करवाना चाहेंगे या जो स्टॉक हेडलैम्प इन्हीं में आप? नहीं, हेडलैम्प तो बेटर देन है ही, पर ये भी इंस्टॉल करवाएंगे। कंपनी ने ऑप्शन ही दिया है तो करवाएंगे। इसकी जो एवरेज है वो पहले की बजाय बढ़ी है या कम हुई? नहीं, पहले की बजाय बढ़ी है।
अच्छा, जैसा कि इसमें जो अच्छा, है पेलोड कैपेसिटी बड़ी है, पेलोड कैपेसिटी बड़ी है, इसकी लंबाई डालने की लंबाई भी बड़ी है 10 मीटर के समथिंग। इंजन में भी काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग की गई है। हाँ, इंजन में ये कूलिंग सिस्टम लगा दिया तो टेम्परेचर वगैरह का वो इशू नहीं आएगा अभी। अच्छा, एक बात बताइए भैया, जैसे कि अभी इसमें जो ये फेंडर है ये डिटेचेबल दिए गए हैं। हाँ, और पहले वाले में नहीं दे रहे थे? नहीं, पहले वाले में छोटे थे और डिटेच भी नहीं थे। हाँ, अब इसमें अलग से ये फायदा है क्या ये डिटेच करने का? बिल्कुल, जो चीज़ इसमें जो भी लगा है कंपनी की तरफ से वो फायदे के लिए लगाया गया। अच्छा, बहुत ही बढ़िया मेंटेनेंस को देखते हुए बनाया इसको। नो मेंटेनेंस की गाड़ी है, जीरो मेंटेनेंस में। ठीक है भैया, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों, ये था एक ओनर का फीडबैक जो पहले से ही पिकअप यूज़ कर रहे हैं और अब दोबारा से नई पिकअप खरीदने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा एक क्विक रिव्यू बोलेरो मैक्स पिकअप के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका डिटेल रिव्यू जो है वो आपको बहुत जल्द चैनल पर देखने को मिलेगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, फॉलो फॉर मोर।